रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। उचाना सी खबर है जहां अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए। महापंचायत में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। पंचायत चुनाव में बीजेपी जेजेपी समर्थकों का विरोध होगा। बिजली की समस्या के लिए बिजली एमडी से मीटिंग होगी, ये भी इस दौरान साफ किया गया है। तो महापंचायत में महिलाओं ने हिस्सा लिया है, लेकिन पंचायत चुनाव में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनका विरोध होगा। तो बिजली को लेकर के एक संकट जो कि हरियाणा में नजर आने लगा है, और अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन, और इस दौरान महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कई अहम फैसले इस दौरान महापंचायत में लिए गए। महापंचायत में महिलाओं ने हिस्सा लिया और महिलाओं की भूमिका इस महापंचायत में देखने को मिली है। बढ़ चढ़ के महिलाएं इस महापंचायत के अंदर शरीक हुई, शामिल हुई और इस महापंचायत का हिस्सा बनी। और लगातार ये माना जा रहा है कि महिलाओं की भूमिका अब धीरे धीरे अलग अलग चीजों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। कल एमडी बिजली बोर्ड के साथ मीटिंग होनी है हमारी 5 सदस्यीय कमेटी की, उसमें जो किसानों की बिजली से संबंधित समस्याएं हैं वह लेकर हम अपनी किसान भाइयों से मजदूर भाइयों से तो एमडी बिजली बोर्ड के समक्ष रखेंगे। और इसके अलावा जो जेजेपी या बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार अब आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव या नगर पालिका का चुनाव, उनका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी जेजेपी और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवारों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। और इसके अलावा हमने मांग रखी है कि हमारे जो किसान मजदूरों की सभी प्रकार के कर्जे भी माफ किए जाए। अक्षतिपूर्ति कानून जो हरियाणा सरकार ले रही है उससे तुरंत प्रभाव में रख दिया जाए। इस प्रकार के हमारे काफ़ी मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर हमने इसे महापंचायत का आयोजन किया है। और एक और मुख्य उद्देश्य हमारा यहाँ उचाना के अंदर करने का है कि यहाँ पर दो बड़े नेता हैं, विजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अपनी जबान पर ताला लगा रखा है। हम उनको एहसास कराना चाहते थे इस पंचायत के माध्यम से कि आपकी जमीन खिसक चुकी है, या तो आप किसानों के आवाज उठाने का काम करें, नहीं आपको कहीं भी दो पैर टेकने की जगह नहीं मिलेगी। इन्हीं बातों